हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी एगलेस डोनट्स। एगलेस डोनट्स बनाने के लिए 3/4 कप गुनगुना दूध लेंगे। दूध ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस गुनगुना सा होना चाहिए। 3 टेबल स्पून इसमें चीनी डालेंगे। चीनी और दूध को मिला देंगे। 2 टी स्पून इसमें ये इंस्टेंट ईस्ट डालेंगे। हल्के हाथ से इन सबको मिला देंगे। अब इसको ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे ईस्ट एक्टिव हो जाएगा। ईस्ट का 10 मिनट का रेस्ट हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा फर्मेंट हो गया है। अगर ये 10 से 12 मिनट में इस तरीके का नहीं होता है, ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 मिनट वेट करना है फिर भी नहीं होता है, तो इसका मतलब ईस्ट खराब है, पुराना हो गया है, उसको आप रेसिपी में यूज़ ना करें। अब इससे डो बनाएंगे। 2 कप मैदा लेंगे। 2 पिंच नमक डालेंगे। ये जो ईस्ट हमने फर्मेंट किया है ये इसमें डाल देंगे। 1.5 टेबल स्पून रूम टेम्परेचर का बटर डालेंगे। अब इसका सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। इसमें बिल्कुल कोई पानी या कुछ मैदा यूज नहीं करना है। मैं ये इलेक्ट्रिक मिक्सर से बना रही हूँ, आप हाथ से भी बिल्कुल उसी तरह आटा बना सकते हैं, बस अच्छी तरह से मल के बनाइएगा। हाथ में अगर चिपकेगा भी तो भी और मैदा ऐड ना करें, मलते मलते ही उसको चिकना कर लें। ये देखिए एकदम सॉफ्ट डो बन गया है। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी या कुछ दूध और ऐड नहीं किया है। अब इसको एक बॉल सा बना देंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे बोल में। अब डो को ढक के गर्म जगह पे 1 से 1.5 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए डो 1.5 घंटे में डबल से भी ज्यादा हो गया है। अब इसको काउंटर पे निकाल लेंगे। एक बार थोड़ा नीड कर लेंगे। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पेड़े को ढक के रख देंगे और 1 से डोनट बनाना स्टार्ट करेंगे। सूखे मैदा से थोड़ा डस्ट कर लेंगे और अब इसको बेलेंगे। ये देखिए इसको ज्यादा पतला नहीं बेलना है, इतनी थिकनेस का इसको बेलेंगे। ये मेरे पास कुकी कटर है। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है, ये देखिए इस साइज का, फिर आप कोई कटोरी या गिलास ले सकते हैं, इससे हम डोनट्स को काटेंगे। और ये सेंटर के लिए मैंने ये ढक्कन लिया है, ये छोटे साइज का लेना है, इसको हम बाद में यूज कर लेंगे। एक ट्रे में बटर पेपर को इस तरीके से छोटा छोटा काट के रख लें, इसके ऊपर डोनट्स को रखेंगे। इसको उठाते समय ध्यान रखें शेप खराब नहीं होए। डोनट्स के ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे, जिससे कि ये ड्राई नहीं होंगे। डोनट्स को ये बटर पेपर को छोटा काट के इसलिए रखा है कि जब हम इनको फ्राई करेंगे, ये जब फर्मेंट होंगे थोड़े लूज हो जाते हैं, तो हम इसको आराम से उठा के ऑयल में डाल सकेंगे। वरना अगर हम बिना काटे इसको ट्रे से उठाएंगे तो इनकी शेप खराब हो जाएगी। अब इनको एक किचन टॉवल से ढक के 15-20 मिनट के रेस्ट के लिए रख देंगे। और इसी तरह मैं बाकी सारे डोनट्स भी तैयार कर लूंगी। डोनट्स का रेस्ट हो चुका है, अब इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दें। गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। मीडियम हॉट ऑयल में ही हम डोनट्स को फ्राई करेंगे। ऑयल गरम हो गया है, डोनट्स को देखिए लेंगे हाथ में और इस तरह से छोड़ देंगे। धीरे से डोनट्स की साइड चेंज करेंगे। डोनट्स की साइड बदलते हुए लाइट गोल्डन कलर का इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए इस कलर का डोनट्स को फ्राई करना है।
बहुत ही अच्छा डोनट बना है। ये देखिए इसी तरह सभी डोनट्स फ्राई कर लूंगी। ये देखिए सभी डोनट्स फ्राई हो गए हैं। अब इनको चॉकलेट से ग्लेज करेंगे। उसके लिए पहले चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। चॉकलेट हम डबल बॉयलर पे मेल्ट करेंगे। नीचे एक बर्तन में थोड़ा पानी डाल दें, देखिए उसके ऊपर एक बर्तन में चॉकलेट डालेंगे। ये मैंने वाइट चॉकलेट लिए, आप वाइट ब्राउन जो भी आप चाहें डार्क चॉकलेट वही ले सकते हैं। पानी में जब उबाल आ जाएगा चॉकलेट धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाएगी, इसको बीच बीच में चलाते रहें। चॉकलेट थोड़ी थोड़ी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। पानी में अब उबाल आ गया। अब देखिए चॉकलेट जल्दी से मेल्ट होने लग गई है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और बिल्कुल इसी प्रोसीजर से डार्क चॉकलेट भी मेल्ट कर लूंगी। ये देखिए दोनों तरह की चॉकलेट मेल्ट कर ली है मैंने। और ये कुछ स्प्रिंकल्स हैं, ये जो भी आपके पास हो वही चल सकते हैं। ये कुछ मैंने नट्स लिए हैं, बादाम और पिस्ते बारीक पीसे हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। अब डोनट को लेंगे, जिस तरफ से ये देखिए फूला है, एक तरफ से फ्लैट है एक तरफ से फूला है। ये फूली वाली साइड को चॉकलेट में डिप करेंगे। डोनट को सिर्फ आधा ही डिप करना है। अब इसके ऊपर आप अपनी पसंद की कुछ भी चीज डेकोरेट कर सकते हैं। ये ब्राउन में डिप करेंगे, एक्स्ट्रा थोड़ा निकाल देंगे। इसी तरह सभी डोनट्स तैयार कर लूंगी। ये देखिए सभी डोनट्स चॉकलेट से ग्लेज हो गए हैं। ये मैंने व्हाइट चॉकलेट में ही बहुत थोड़ा सा पिंक कलर फूड वाला मिलाया तो ये पिंक हो गए। ये देखिए लीजिए बनके तैयार हैं हमारे बहुत ही टेस्टी डोनट्स। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव कमेंट करके शेयर कीजिएगा। इनको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।